हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके ट्यूटोरियल। स्टूडेंट्स, हम कर रहे थे क्लास 7th के मैथ्स का चैप्टर 6, दैट इज लाइंस एंड एंगल्स, जिसमें हमने लास्ट टाइम सॉल्व की थी एक्सरसाइज 6.1। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 6.2। लेकिन उससे पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है, मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करना भूलें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आपको इन चीज़ों का जो नॉलेज होना चाहिए कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं। ठीक है, तो उसका कंसेप्ट हम क्लियर कर लेते हैं। सबसे पहले एंगल फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्टिंग लाइंस, वो एंगल जो कब बनते हैं, जब लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हैं। हमने देखा होगा कि एक बार ये दो लाइंस हैं, एक दूसरे को क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। इनके कंसेप्ट भी क्लियर करेंगे। इसमें सबसे पहले आते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये मैंने लास्ट टाइम भी किया था, जब भी दो लाइंस एक दूसरे को काटती हैं तो जो उनके सामने वाले एंगल होते हैं, ये होते हैं आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल। जैसे ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये आपस में वर्टिकली हैं, ये भी आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं। और जो वर्टिकली लाइंस, ये अपोजिट एंगल्स होते हैं, ये इक्वल मेजरमेंट के होते हैं। मीन्स अगर आपको इनमें से कोई एक एंगल का मेजरमेंट दिया गया हो तो आप दूसरे का इक्वल लेके फाइंड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन से वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, एंगल 4 और एंगल 3, ये वर्टिकली अपोजिट हैं। एंगल 1 और एंगल 2, ये भी वर्टिकली अपोजिट हैं। उसके बाद 6 और 7, ये भी वर्टिकली अपोजिट हैं। 5 और 8 आपस में वर्टिकली अपोजिट, मीन्स सामने वाले एंगल्स हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है ट्रांसवर्सल। अब ट्रांसवर्सल क्या होते हैं, वो लाइन जो इंटरसेक्ट करती है दो या दो से ज़्यादा लाइन्स को अलग अलग पॉइंट पर, उसे हम कहते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। मीन्स एक और लाइन जो दूसरी अलग लाइंस को इंटरसेक्ट करती है, उसे हम ट्रांसवर्सल लाइन बोलते हैं। लेकिन वो दो होनी चाहिए जिनको इंटरसेक्ट कर रही है, या दो से ज़्यादा हो। हम नहीं बोल सकते कि जैसे यहाँ पे ये तो दो लाइंस हैं, अगर आप बोलो कि ये इसका ट्रांसवर्सल नहीं, कोई दो लाइंस हो उनको एक लाइन को ही करे। जैसे यहाँ पर ये टू लाइन्स हैं, यहाँ पर इस लाइन ने इन दोनों लाइन को इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ पर ये वाली लाइन जो है आपकी क्या कर रही है, ट्रांसवर्सल का काम कर रही है। यहाँ पर देखिए, ये आपकी एक एल लाइन है, एम लाइन है। यहाँ पे देखिए, पी लाइन एल को और एम को दो अलग अलग पॉइंट पे काट रही है, तो इसलिए आपका पी क्या होगा, ट्रांसवर्सल होगा। ठीक है, और एक और चीज़ यहाँ पे, जब आपकी दो जब लाइंस इंटरसेक्ट करती हों, जब दो से ज़्यादा भी लाइन इंटरसेक्ट करती हों किसी एक पॉइंट पे, तो ऐसे लाइंस को हम बोलते हैं कॉन्टेंट लाइंस। मीन्स उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सेम हो। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के लाइन है, क्यू लाइन है, पी लाइन है, सभी देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सभी का सेम है, अलग अलग पॉइंट पे नहीं कर रही हैं। तो ऐसे केस में इन लाइंस को क्या बोलते हैं, कॉन्करेंट लाइंस। वो भी बेसिक चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे देखिए एक लाइन है यहाँ पे के, ठीक है, वो इंटरसेक्ट कर रही है एल और एम लाइन को। अब यहाँ पर एंगल दिए गए हैं। एक चीज़ याद रखिए, जो लाइनों के अंदर एंगल बनते हैं ना, जैसे एंगल 3, 4, क्यू, पी, इन दोनों लाइनों के अंदर है ना, ये आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं। ठीक है, इंटीरियर एंगल्स। वो जो लाइनों के बाहर एंगल बनते हैं, जैसे 1, 2, एस, आर, ये आपके एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। अगर पूछा जा सकता है फाइंड द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल, तो जो लाइनों के अंदर एंगल बनते हैं वो आपके इंटीरियर एंगल्स होते हैं, और जो लाइनों के बाहर एंगल बनते हैं वो आपके एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। नेक्स्ट आपका है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से एंगल्स होते हैं, जो कॉरस्पॉन्डिंग पोजिशंस पे हों, जैसे ऊपर या नीचे, लेफ्ट और राइट में, लेकिन रिलेटेड टू द टू लाइन्स, दोनों लाइन्स के रिलेशन में हों, उन्हें हम कहते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। देखिए, ऐसे यहाँ पे ये एक ही साइड पे हैं लाइन के, ये भी एक ही साइड पे हैं लाइन के, ठीक है, ये भी एक ही साइड पे हैं लाइन पे, ये क्या हैं आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और जब जैसे ये 6 है, अगर ये यहाँ के बजाय यहाँ पे होता, ये आपके अल्टरनेट एंगल्स बन जाते, अपोजिट साइड पे हो जाए ट्रांसवर्सल के, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल्स। जैसे यहाँ पे भी दिखाया है, देखिए यहाँ पे फिगर है, ये आपके अल्टरनेट एंगल्स हैं, एंगल 3, एंगल 6। अगर ये 6 इस साइड हो जाता तो ये कॉरस्पॉन्डिंग बन जाते, है ना, सेम कंडीशन, जस्ट लेंथ पोजिशन चेंज हो रही है। यहाँ पर देखिए एंगल 4 और एंगल 5, एंगल सी और एंगल जी, ये आपस में क्या है, अल्टरनेट एंगल्स। अब जो हमने अभी डिस्कस किए हैं उन्हीं के बेसिस पे है यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आपका एक्सरसाइज 6.2 का। आइडेंटिफाई करना आपको टाइप ऑफ एंगल जो यहाँ पे मार्क किए गए हैं। देखिए ये कौन से हैं, ये अपोजिट साइड पे हैं और एक ही ट्रांसवर्सल के हैं, अभी अभी जस्ट हमने किया, ये हैं आपके अल्टरनेट एंगल्स।
ठीक है, ये आपके हैं ऑल्टरनेट एंगल्स, ये भी है ना अपोजिट डायरेक्शन में, ये भी आपके हैं ऑल्टरनेट एंगल्स। लेकिन यहाँ पे आप एक चीज़ कर सकते हैं, ये देखिए इंटीरियर हैं और ये एक्सटीरियर हैं। अगर आपने और ज़्यादा अच्छे से लिखना है तो आप लिख सकते हैं ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहाँ पे लिख सकते हैं ऑल्टरनेट। आप सिर्फ ऑल्टरनेट लिखोगे तब भी चलेगा, लेकिन अगर आप अच्छे से डिस्क्राइब करना चाहते हैं तो उसका लिखिए ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। और ये कौन से हैं आपके ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बाहर वाले थे। अब ये देखिए ये ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए ये आप अगर देखा जाए तो ये आपके कॉरस्पोंडिंग एंगल्स भी हैं, लेकिन दूसरी लाइन इसमें इंक्लूड नहीं हो रही है। आप इनको लीनियर पेयर भी बोल सकते हो, ठीक है, आप इनको लीनियर पेयर बोल सकते हो, आप इनको एडजेसेंट बोल सकते हो, आप इनको कॉरस्पोंडिंग बोल सकते हो, आपका जो जी चाहे आप उसको वो, क्योंकि ये तीनों प्रॉपर्टी को क्या करते हैं, सेटिस्फाई करते हैं। तो हमें ज़्यादा जो सही लग रहा है वो है यहाँ पे लीनियर पेयर, तो हम लिखेंगे लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है, ये लीनियर पेयर ऑफ एंगल है। अब ये देखिए ये यहाँ पे सामने सामने वाले एंगल हैं, अभी अभी जब हमने स्टार्टिंग में किया था ये कौन सा एंगल था आपका, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन नंबर K2 है, फाइंड द मेजरमेंट ऑफ द इंटीरियर एंगल। आपको इनके इंटीरियर एंगल दिए गए हैं, आपको इनका मेजरमेंट निकालना है, मीन्स आपने एंगल ए को और एंगल बी को निकालना है। अगर इन दोनों का सम आपको दिया गया है 120, ये सेम आपने ऐसा ही कुछ किया था एक्सरसाइज 6.1 में, पहले आप इसका यूज़ करेंगे, जो सम आपको 120 दिया गया है वहाँ से एक्स की वैल्यू आएगी, जो एक्स की वैल्यू आएगी वो आप इनमें पुट करेंगे, आपके एंगल का मेजरमेंट आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको ये एंगल दिए गए हैं और आपको ये भी दिया गया है कि एंगल ए और एंगल बी का सम है आपका 180। अब आपके पास एंगल है ए 2x+3 और एंगल बी है आपका 2x-3 इक्वल्स टू 180। अब यहाँ पे देखिए 2x 2x कितने हो गए 4x, 3 प्लस का माइनस का, 3-3 जीरो है, उसको लिखने की ज़रूरत नहीं, आप यहीं पे इनको कैंसिल कर सकते हैं, इक्वल्स टू 120। अब यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई में था, उस साइड जाके आपका 4 डिवाइड में हो गया, तो 4 3 4 0 जहाँ एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 30। अब आप लिखेंगे एंगल ए की वैल्यू, एंगल ए की वैल्यू आपकी थी 2x+3, 2x की वैल्यू आपकी 30 आ गई प्लस 3, 2 3 60 प्लस 3 कितने हो गए 63। उसी तरह एंगल बी था आपका 2x-3, 2 30 60-3 दैट इज 57 आ गया आपका मेजरमेंट एंगल ए और एंगल बी का। नेक्स्ट आपका K3 क्वेश्चन है, प्रूव करना है कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं उनका मेजरमेंट इक्वल होता है, और उसके लिए आपने एक एग्जांपल देनी है। चलिए एक एग्जांपल देते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने दो लाइंस ले ली, L और M एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, यहाँ पे एक्स और 70 ये आपस में क्या है वर्टिकली अपोजिट है। किसी तरह आप बता दीजिए कि एक्स की वैल्यू भी क्या है 70 है, तो आपका यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि ये क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ठीक है। अब हम पहले लेंगे ये वाला लाइन, हम मैंने आपको बताया हुआ कि ये आपका बनता है लीनियर पेयर, ठीक है। अब ये वाला एंगल की एंगल ले लीजिए, इसका नाम डाल देते हैं वाई, ठीक है। हमें पता है कि सम ऑफ लीनियर एंगल का क्या होता है, वाई प्लस 70 इक्वल्स टू 180। लीनियर पेयर हमेशा 180 बनाता है, ये बन रहा है ना आपका लीनियर पेयर, इसको भूल जाइए अभी, जस्ट ये एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है एल आपकी, और ये आपका बन रहा है लीनियर पेयर। यहाँ से आपकी वाई की वैल्यू आ गई इक्वल्स टू 180-70, तो आपका आ गया 110, ठीक है। यहाँ पे आ गया, अब y की वैल्यू आपकी आ गई 110। आपने इसको लीनियर पेयर लगाया था, अब इसको भूल जाइए। ये देखिए m भी तो आपकी स्ट्रेट लाइन है और ये भी तो आपका लीनियर पेयर बन रहा है, ये जस्ट ये है ना स्ट्रेट एंगल 180 का, मीन्स आल्सो आपके पास क्या है कि ये भी लीनियर पेयर बन रहा है, x प्लस y भी आपका क्या है 180 है। क्यों? क्योंकि ये भी आपका क्या है लीनियर पेयर, क्योंकि हमें यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब x हमारा ऐसे ही आ गया, y आपका भी निकाला 110 इक्वल्स टू 180, यहाँ से प्लस का 110, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 110 हो जाएगा। अब यहाँ से देखिए 180 माइनस जब 110 करेंगे वो एंगल आपका आएगा 70 डिग्री, आके ना वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब आपका x भी क्या आ गया 70 आ गया, यही तो आपने प्रूव करना था कि वर्टिकली अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं
इक्वल होते हैं। तो यहाँ से इस एग्जांपल के थ्रू आप बता सकते हैं कि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल हैं वो क्या हैं आपके इक्वल, क्योंकि हमने एक एंगल 70 लेके गए थे और एक्स की वैल्यू भी हमारी क्या आ गई 70। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है S1, आपको मेजरमेंट निकालना है कोई इंटीरियर एंगल हैं वो ट्रांसवर्सल के सेम साइड्स पे हैं और रेशियो है उनका 5:7, उनका सम आपको 180 दिया गया है। आप लेट कीजिए एक एंगल है 5x, क्योंकि जब भी रेशियो में दिया गया होता आपने कोई ना कोई कॉन्स्टेंट साथ में लेना पड़ता है। एंगल ए इक्वल्स टू 5x एंड एंगल बी इक्वल्स टू 7x बी द इंटीरियर एंगल सच दैट एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 दिया गया है। वहाँ से आपकी x की वैल्यू आ जाएगी तो आपका एंगल भी फाइंड हो जाएगा। हमने लेट कर लिया एंगल ए 5x एंगल बी 7x, ये इंटीरियर एंगल है सच दैट कि एंगल ए प्लस एंगल बी आपका कितना है 180। अब वैल्यू पुट कीजिए, एंगल ए आपका है 5x प्लस एंगल बी है आपका 7x इक्वल्स टू 180, ये आपका 12x हो गया। 5 और 7 कितने हो गए 12x इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से देखिए x को रहने दीजिए यहीं पे, 12 मल्टीप्लाई में था वो हो गया डिवाइड में आपका 12 1 12 5 60, x की वैल्यू आपकी 15 डिग्री आ गई। अब यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी की वैल्यू फाइंड कर लीजिए, एंगल ए था आपका 5x 5 × 15 दैट इज 75 डिग्री और एंगल बी था आपका 7x दैट इज 105 डिग्री। नेक्स्ट आपका S2 क्वेश्चन है, आपको मेजरमेंट निकालना है यहाँ पे इस एंगल का, ठीक है। यहाँ मेजर ऑफ द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स, ये तो नेचुरली सामने ही आएगा। यहाँ पे आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है, मेजरमेंट गिवन पेयर ऑफ एंगल्स, जो आपको पेयर एंगल दिए हैं उनका मेजरमेंट निकालना है। यहाँ पे देखिए ये आपस में क्या है वर्टिकली अपोजिट एंगल, अभी भी हमने प्रूव किया था एग्जांपल में कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे देखिए कि आपका 15 ये एक्स, ये प्लस का 6 उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, ये आपका आ गया 90। अब एक्स को यहीं पर रहने दीजिए 90 डिवाइड बाय 15, 15 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 90 आता है 6 के साथ, x की वैल्यू 6 आई। पुट कर सकते हैं आप यहाँ पे 15 × 6 + 6 90 + 6 आ जाएगी। आपको जस्ट यहाँ पे x की वैल्यू ही फाइंड करनी है, अगर आपने यहाँ पुट करोगे वो ऑलरेडी 96 ही आएगा, पेयर फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है यहाँ पे, क्योंकि अगर आपने x की वैल्यू यहाँ पे पुट करके निकालनी होती तो वो तो 96 ही आएगा, उसमें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह इस क्वेश्चन में देखिए ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ पे आपका आएगा 2x + 50 = 100, यहाँ पे आएगा प्लस का 50 उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का, तो ये 50 बच गया। अब एक्स को इसी साइड रहने दीजिए, ये आपका 50 और 2 मल्टीप्लाई में था वो डिवाइड में चला गया, एक्स की वैल्यू आपकी आ गई 25। इस तरह से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट आपका S3 क्वेश्चन है, आपने मेजर निकालना है एंगल 1, 2 और 3 का इस फिगर से, ठीक है। सबसे पहले देखिए ये है आपका 90 डिग्री, क्योंकि ये जो साइन होता है ना ये 90 डिग्री। अब दूसरा देखिए ये एंगल और ये पूरा एंगल ये इक्वल हैं, अगर आपका 3 की वैल्यू आ जाए तो यहाँ से आपके 1 की वैल्यू आ जाएगी। और उसको छोड़िए अभी यहाँ पे देखिए ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं, वर्टिकली अपोजिट हैं, एंगल 2 इक्वल्स टू, यहाँ से आपका एक एंगल तो हो गया फाइंड दैट इज एंगल 2 इक्वल्स टू 37 डिग्री, ठीक है। अब 3 को फाइंड कर सकते हैं, ये देखिए 3 और 2 का आपस में क्या है लीनियर पेयर है ना, तो मीन्स एंगल 2 प्लस एंगल 3 आपका क्या बना रहा है लीनियर पेयर। तो लीनियर पेयर में एंगल का सम कितना होता है 180 होता है, लेकिन अभी भी 2 को निकाला आपने 37 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। यहाँ पे एंगल 3 को रहने दीजिए, प्लस का 37 उस साइड जाके आपका हो जाएगा माइनस का 37, तो जब आप इसमें से करोगे ये आपका आएगा 143 डिग्री, ठीक है। ये आ गया, अब आपका रह गया एंगल वन। अब यहाँ से देखिए अगर आप देखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 90 + 1 है ना, वर्टिकली अपोजिट एंगल, इतना ये आपस में वर्टिकली अपोजिट एंगल है, मीन्स एंगल 1 + 90 इक्वल्स टू एंगल 3 है ना यहाँ से। और यहाँ से देखिए एंगल 1 ऐसा ही रहेगा, प्लस का 90 हम उस साइड ले जाएंगे, लेकिन एंगल 3 की वैल्यू हमारे पास है अभी निकाली हमने 143, ये आपका 143 और जो प्लस का 90 था उस साइड जाके माइनस का 90 हो गया, ठीक है। अब 143 में से 90 की वैल्यू आप माइनस कर दीजिए, कितनी आएगी यहाँ पे 53। इस तरह से आपका एंगल 1 आ गया, एंगल 3 आ गया, एंगल 2, तीनों की वैल्यू हमने फाइंड कर ली। नेक्स्ट आपका S4 क्वेश्चन है, आपने वैल्यू निकालनी है एक्स की और एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 और एंगल 5 सभी की वैल्यू निकालनी है, अगर आपको ये यहाँ पे दिए गए हैं एंगल 1, एंगल 2, एंगल 4 की वैल्यू इस तरह से
दी गई हैं। सबसे पहले तो आपको एक्स फाइंड करना पड़ेगा। अब यहीं से देखिए आपकी ये जो लाइन है ना, इसको भूल जाइए, आपस में जो एक काट रही हैं ये हैं, ये एंगल और ये एंगल आपस में क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो एंगल 3 इसके इक्वल होगा, ये एंगल आपका 90 डिग्री का होता है, ये आपका आ गया 90 का, ठीक है। अब एक कंडीशन यहाँ पे देखिए, ये पूरा एंगल, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, यहाँ पे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3, ये लीनियर पेयर है आपका, ये क्या बना रहा है 180, ये है आपका लीनियर पेयर। एंगल 1 की वैल्यू आपके पास क्या है 4x+23, ठीक है, 2 की 2x+1, 3 की अभी अभी निकाली 90, उसको उस साइड ले जाते हैं क्योंकि वो ऐसे भी सब्ट्रैक्ट होना था, इक्वल्स टू आपका आ गया 90। अब यहाँ पे देखिए 4x+2x कितना हो गया आपका 6x, 23+1 कितना हो गया 24, उसको भी उस साइड ले जाते हैं माइनस का 24, तो ये आपका आ गया 66। यहाँ से एक्स को यहीं पे रहने दीजिए, 66/6, ये आपका आ गया 11, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ गई। अब आप एंगल 1 निकल जाएगा, एंगल 2 निकल जाएगा, एंगल 4 निकल जाएगा, एंगल 3 हमने ऑलरेडी निकाल दी है, जस्ट आपका बचता है एंगल 5। देखिए एक्स की हमने वैल्यू निकाल दी, एंगल 1 था ये आपका, अब एक्स की वैल्यू डाली यहाँ पे 4×11+23, 11 4 44+23 = 67, आपका एंगल 1 आ गया। उसके बाद आप करेंगे एंगल 2 की वैल्यू, एंगल 2 की वैल्यू थी 2×x+1, 11 2 से 22+1, ये आ गया आपका 23। एंगल 3 आपने ऑलरेडी फाइंड कर लिया था, वो 90 डिग्री था। एंगल 4 था आपका 3x3×11 = 33 डिग्री, बच गया आपका एंगल 5। अब आप फिगर से देखिए, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस 90, ये सारा बन रहा है लीनियर पेयर। आपके पास 4 की वैल्यू है, 90 की वैल्यू है, 5 की वैल्यू निकल जाएगी। चलिए इसको करते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 9, ठीक है। देखिए यहाँ पे एंगल 4 की वैल्यू आपके पास 33 डिग्री थी, 90 यहाँ पे है, एंगल 5 ये रहने दीजिए, ये आपका आ गया एंगल 5 इक्वल्स टू 90+33, ये आपका होता है 123, जो उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस का 123, क्योंकि इस साइड प्लस का होना था। यहाँ पे देखिए जब आप 180 में से माइनस करेंगे आपका आएगा 157, तो इस तरह से आपका एंगल 5 की वैल्यू भी निकल गई। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर S5 है, वो भी सेम है S4 की तरह। यहाँ पे आपको एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4 जो है वो फाइंड करना है यहाँ पे फिगर में। सबसे पहले यहाँ पे देखिए ये क्या है आपके, अगर हम इन दोनों लाइंस को लेते हैं, ये आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल 45 और एंगल 1, यहाँ से आपका एंगल 1 आ गया 45 डिग्री, और ये एंगल और ये एंगल भी क्या है वर्टिकली अपोजिट। मैंने आपको ये बताया था ये साइन होता है 90 डिग्री का। यहाँ से आपका एंगल 3 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री। अब देखिए एक बार इस लाइन को, ये बन रहा है लीनियर पेयर, 90+(1)+(2) इक्वल्स टू है आपका 180। अब ये देखिए एंगल 1 अभी अभी निकाला आपने 45, ठीक है, यहाँ पे डालिए वैल्यू, यहाँ पे आएगा 90+45+(2)=180। अब 90+45 का हो गया 135, प्लस का 135 उस साइड जाके हो जाएगा माइनस का 180-135, जो आपका आ जाएगा 145 डिग्री, निकल गया एंगल 2, ठीक है। अब दूसरा रह गया आपका इस साइड, देखिए एंगल 4 की रह गई जस्ट, यहाँ पे भी देखिए एंगल 3 प्लस एंगल 45 प्लस एंगल 4, एंगल 3 प्लस एंगल 45 डिग्री प्लस एंगल 4, ये भी लीनियर पेयर बन रहा है आपका, ठीक है, तो ये भी आपका क्या आएगा 180। अब एंगल 3 अभी अभी हमने फाइंड किया, वो था आपका 90 90+45, ये भी आपका 135, सेम एंगल आ रहा था। यहाँ से आपकी एंगल 4 की वैल्यू भी जो है वो 145 ही आएगी, देख सकते हैं एंगल 3 90 था, ये एंगल 45 है, 90+45 जो अभी भी हमने किया 135, तो प्लस का 135 जो उस साइड जाएगा 180 के, तो अब माइनस हो जाएगा जो अभी भी हमने किया 180-135, वो भी क्या हो जाएगा 145। और वैसे भी ये एंगल जो है देखा जाए तो ये इसके पूरे के इक्वल आ रहा है, तो वो 145 ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपका S6 क्वेश्चन है, मेजर जो है वन ऑफ द वर्टिकली अपोजिट एंगल जो है वो 45 < 4 times द मेजर ऑफ द अदर एंगल ऑफ द पेयर, फाइंड द मेजर ऑफ बोथ द एंगल। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे,
लेट करेंगे यहाँ पे कि मेज़रमेंट जो है, लेट द मेज़र ऑफ अनदर एंगल बी एक्स। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो, उन्होंने तो बोला था एक एंगल का जो मेज़र है वो 45 लेस देन है फोर टाइम्स द, दूसरे एंगल के जो मेज़र है ना उसके फोर टाइम में से 45 कम है, ठीक है। लेकिन यहाँ ये पर्टिकुलर अपोजिट एंगल, तो ये एंगल इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना। अब यहाँ से देखिए आप क्या करेंगे, 4x ये प्लस का x उस साइड जाके माइनस का, और माइनस का 45 उस साइड जाके प्लस का, ये आपका आ जाएगा 3x इक्वल्स टू 45। और जब x यहीं पे रहेगा तो 45 बाय 3 करेंगे, 3 15 x की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 15। मींस एक एंगल आपका आ गया 15, उसने बोला ना तो दोनों एंगल फाइंड करने, तो दूसरे की वैल्यू भी यही आएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए दूसरा एंगल था आपका 4x माइनस 15, करके देख लीजिए 4 × 15 माइनस आपका 45, ठीक है, 15 × 4 = 60 माइनस 45 15, क्योंकि ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, तो ये तो आपस में वैल्यू इक्वल आएगी आएगी। इसके साथ ही आपकी ये एक्सरसाइज जो है वो ख़त्म होती है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियो जो है वो टाइम टाइम मिलती रहे। थैंक यू।